हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि लास्ट वीडियो में जो ड्रोन्स के ऊपर था कि मैं क्वेश्चन आंसर्स लूंगा, तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं ड्रोन्स के ऊपर, क्वेरीज हैं आपकी, एंड ट्राई करूंगा सारे कवर करने की वन बाय वन। तो बन रहे इस वीडियो के साथ। दिस इज क्यून डे ऑन ड्रोन्स। तो इसी तरह हम मोबाइल्स के ऊपर भी एक क्यून डे करेंगे। तो जो मोबाइल वाले फ्रेंड्स हैं, एंड्रॉयड लवर्स, सैमसंग M30s एंड ऑल दैट, वो भी आप उनके लिए भी मैं एक सेशन रखने वाला हूँ। तो अगर आप वो देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करें, और बाकी जो ड्रोन लवर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो अगेन यू कैन पुट क्वेश्चन इसके नीचे, लिखें इस वीडियो के नीचे। तो नेक्स्ट जब क्यों नहीं होगा तो मैं यहाँ वाले क्वेश्चन उठाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर लेके आते हैं ड्रोन से सारी इन्फॉर्मेशन एंड टेक विच आई यूज। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो व्हाट इज DJI बैन, इस में मैंने अनाउंस किया था। तो इसके नीचे जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे मैं क्वेरीज लेने वाला हूँ राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो काफ़ी कमेंट्स किए हैं आप सब ने। 3 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो एक्सप्लोर वर्ल्ड ने ग्रेट लिखा, उनको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू वेरी मच। देन गिरनारी भूमियो, बेंगलोर बेस एक शोरूम है, वो ड्रोन DJI के बेचते हैं, तो क्या वहाँ से खरीद सकते हैं? थोड़ा जाकर जान कर बताएंगे। मैं एक ट्रैवलर व्लॉगर हूँ और एक ड्रोन चाहिए, और अमेजोन में ड्रोन मिल रहा है मिनी और मिनी 2 चाहिए, मिल नहीं रहा है, अमेजोन में नहीं मिल रहा है। तो डेफिनेटली अमेजोन पे कमी है, क्योंकि चाइना के साथ, और जैसे मैंने आपको बताया शॉर्टेज थ्रू आउट है। तो जैसे डीलर्स लेके आएंगे तभी अमेजोन पे वो सेल करते हैं, जो कि इंडिया में ड्रोन आ जाते हैं वही अमेजोन पे बेसिकली सेल पे लगते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर कमी है, और सून आफ्टर सम टाइम विल सी ड्रोन ऑन द अमेजोन, इफ यू, बिकॉज अमेजोन इज द सेफेस्ट जरिया है ड्रोन बाय करने का, अगर आप ऑनलाइन मोड से मंगाना चाहते हैं। जहाँ तक बेंगलोर में बात है, तो हर एक मेट्रो में, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद में ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे ड्रीलर्स हैं जो कि ड्रोन बेचते हैं, और अच्छा जेन्युइन माल बेचते हैं। एंड उसका तरीका ये है कि आप खुद जाएं, ऑनलाइन मत लें टू बी सेफ, फिजिकली जाके पूरा प्रॉपर चेक करके सील एंड ऑल दैट यू कैन बाय द ड्रोन, नो प्रॉब्लम। ट्रेडिशनल कुरुक सॉन्ग यूट्यूब चैनल से हैं। सर, अगर अमेरिका DJI को स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर देगा तो एटोल एवो के बारे में सोचना चाहिए, और सर आपके तरफ से कोई सुझाव ईवो को लेके? यू आर राइट, आपने अपना नाम नहीं लिखा। एनीवेज, ये एक ईवो जो ड्रोन है, इट इज अमेरिकन कंपनी एंड इट इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर ऑफ DJI, और काफी अच्छे लेवल के दे आर मेकिंग ड्रोन्स, एंड डेफिनेटली आप इसकी तरफ जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि DJI एक लीडर बन गया है, यू नो, लीडर का मतलब नंबर वन टॉप स्लॉट पे। जैसे गाड़ियों में इंडिया में मारुति सुजुकी काफ़ी, नो मैटर वर्ड मैक्सिमम सेल, बट लीडर, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आ रहे हैं, उनकी भी गाड़ियां बिक रही हैं। तो अभी ये नया है तो सम एक्सटेंट एज कम्पेयर टू DJI तो नया ही कहा जाएगा, एंड डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा टक्कर दे रहे हैं, एंड श्योर। पर इंडिया में जब आएगा, इंडिया में तभी वो चीज़ आती है जो काफ़ी पॉपुलर होती है और जिसका बिकने का, क्योंकि इन ड्रोन्स का अभी ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न DJI के ड्रोन मैक्सिमम खरीदे जाते हैं। तो डेफिनेटली अभी ये थोड़े पॉपुलर होंगे, तो मेरे हिसाब से सुझाव ये है कि यस, अगर आपको मिल रहा है, इंडिया में तो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया में इसका लाने का रिस्क अभी करेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में, सिर्फ DJI पॉपुलर है। तो धीरे धीरे जब ये पॉपुलर हो जाएंगे तो डेफिनेटली यू कैन बाय, और अगर आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक दिस ड्रोन, काफ़ी अच्छा ड्रोन है। निश्चय वर्मा कहते हैं इंडियन कंपनी कब बनाएंगे ड्रोन? इंडियन कंपनीज ने ड्रोन बनाना शुरू कर दिया है, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे जाके प्लेलिस्ट में देखें। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियन जो कंपनीज हैं अभी वो इंडस्ट्रियल ड्रोन्स में लगे हुए हैं, कमर्शियल जो हम बेसिकली कंज्यूमर ड्रोन हम यूज करते हैं, यूट्यूबर्स, ट्रैवलर्स, वीडियो फोटोग्राफर्स, वो इंडियन कंपनीज अभी नहीं बना रही हैं, बट सून दे विल, बिकॉज काफी डिमांड है इंडिया में। सोटो लेवो भी बहुत अच्छा ड्रोन है, आनंद स्टूडियो, यस, मैंने अभी बात की है उसके बारे में, बहुत अच्छा ड्रोन है डेफिनेटली। प्रशांत पटेल, सर 15 मीटर के सेशन के सोल्यूशन का कुछ हुआ या नहीं? देखिए वो नहीं होगा क्योंकि
जो मिनी में ये लगाई गई रिसेप्शन, और मिनी इज ए नैनो ड्रोन। तो नैनो ड्रोन के अंदर जब ऐसी प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये रूल है, क्योंकि नैनो ड्रोन को अगर इतनी कैपेबिलिटी दे दी जाएगी तो नैनो ड्रोन को रजिस्टर कराना नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो भाग जाएंगे। तो डेट इज द रीज़न कि जो रजिस्टर होंगे ड्रोन वही अलाउ हों ज़्यादा ऊपर जाने के लिए। लकी स्टूडियो बापनी, काशी वीडियो बना रहा हूँ, बाद में उठाता हूँ, मैं आ रहा हूँ, वीडियो बना के आ रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट्स में आ रहा हूँ बस। पूरे इंडिया में बैन कर दो ड्रोन को, और क्या वैसे भी बाहर से लाने नहीं देते, बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है, या फिर इंडिया में ही ड्रोन बनाने शुरू कर दो बजट के हिसाब से। ये लकी स्टूडियो का सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। एंड इंडियन कंपनी स्टार्ट हो चुकी हैं ड्रोन्स बनाने में, एंड कंज्यूमर ड्रोन्स भी वो ज़रूर बनाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये मैसेज जनता का गवर्नमेंट तक पहुंचे, और डेफिनेटली गौरव ब्लॉग्स कह रहे हैं आई एम गौरव मजुमदार फ्रॉम कोलकाता, फ्रॉम कोलकाता केमन आचो, आई एम ओपनिंग एन ओपनिंग स्टोर विद शोरूम ऑफ DJI एंड अदर कंपनीज ड्रोन विद एग्रीकल्चर मैपिंग एंड ड्रोन, दैट्स ग्रेट इफ यू आर ओपनिंग, एंड हाउ विल यू गेट ड्रोन्स। एंड माई ईमेल आई डी इज इज आस्किंग फॉर डॉक्टर AMROCKS11 DRAMROCKS11 @gmail.com। सो यू कैन ई मेल मी, एंड इट्स अ गुड थिंग। एंड हाउ आर यू गोइंग टू अरेंज दैट DJI इम्पोर्ट एंड ऑल दैट, वो जरूर मुझे बताएं, आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू डेफिनेटली। अब है मैथ्स विद थिंकर थिंकर, सर अभी इंडिया में कंज्यूमर ड्रोन मैन्युफैक्चर कहाँ तक पहुंची है? अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, दे आर प्लानिंग बट सून हो जाएगी, आई विल अपडेट व्हेन दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस डेफिनेटली। अली शेर कह रहे हैं सर राजस्थान कहाँ होगा ड्रोन? राजस्थान, राजस्थान में अभी एज सच मेरे को कोई डीलर या ऐसा कुछ न्यूज नहीं है मेरे पास। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो बेस्ट थिंग इज टू कम टू दिल्ली, और दिल्ली में काफी आपको डीलर्स मिलेंगे सेफ, मतलब जो आपको एक्चुअल में सही चीज देंगे। अभिनंदन सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। देन मनीष कुमार, मैविक एयर टू कॉम्बो की प्राइस क्या इंडिया में? एक डीलर 1.20 लाख कह रहा लेना चाहिए या नहीं? 1.20 लाख कॉम्बो, परफेक्ट। देखिए इंडिया में थोड़ा आपको महंगा ड्रोन मिलता है, क्योंकि एक आसानी से नए ड्रोन इंडिया में नहीं आते हैं, तो प्राइस इज ओके। अगर आप वेट कर सकते हैं थोड़ा और, तो थोड़ा नीचे आएगा धीरे धीरे, बट अभी नया ड्रोन है तो डेफिनेटली दिस इज द रेंज। यस यूर यार, इट इज़ द गुड गुड ने, मतलब यही प्राइस है, यू राइट भाई। DJI Spark लें या मी ड्रोन 4K? देखिए मी ड्रोन्स के फेवर में मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट मी ड्रोन काफ़ी कुछ उन्होंने मतलब दे हैव गिवन यू, बट थिंग इज जो DJI के ड्रोन आ रहे हैं ना उस कैटेगरी में, वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है और फोल्डेबल है। जैसे DJI Spark की आपने बात की, तो इसमें अगर कंपेरिजन करोगे तो मैं अपनी तरफ से 4K होते हुए भी DJI Spark को रिकमेंड करूंगा, ये मेरी चॉइस है। बट डेफिनेटली अगर आपने 4K आपको मिल रहा है उसी रेंज में, देन इट्स योर चॉइस। बट मेरे हिसाब से जो मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ ना, एक DJI की ब्रांडिंग आ गई, दूसरा कॉम्पैक्टनेस आ गई, तीसरा जो हमें चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मी ड्रोन कैरी करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू DJI Spark, तो डेफिनेटली DJI Spark। भारत, माई ड्रोन क्रैश बाय बस, ओ वेरी बैड न्यूज। सो मैं तभी बोल रहा हूँ डोंट फ्लाई ड्रोन्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट्स और पब्लिक प्लेसेस में मत उड़ाएं। दुर्वेश धूमल, ही सेइंग सर इंडिया में ड्रोन लीगल करने चाहिए। देखिए रेगुलेशंस के ऊपर बहुत वीडियो में बना चुका हूँ, बड़ी फैंसी मतलब दो गली रेगुलेशन बन रही है, एक तरफ वो लीगल कर भी रहे हैं, दूसरी तरफ इतनी सारी चीजें लगा दी हैं कि आप खरीद ही नहीं पा रहे हैं ड्रोन, तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। यूके टैक्स सर्वे कंसल्टेंट, हेलो सर, मुझे DJI Matrix 300 RT के ड्रोन चाहिए, मुझे ये बताइए मैं इंडिया में कैसे इंपोर्ट करा सकता हूँ? देखिए DJI Matrix एक इंडस्ट्रियल लेवल का कॉम्पैक्ट ड्रोन है, और एंड
अभी इंडिया में इम्पोर्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, तो और ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है प्रोसीजर, बिकॉज DGI के साथ उसमें एक आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है कि NPNT कंपेटिबल है या नहीं। वो आप नहीं दे सकते हैं, वो DGI कंपनी खुद जब इंडिया में आएगी और अप्रूवल करवाएगी कि हमारे ड्रोन्स आपके हिसाब से NPNT कंपेटिबल हैं, ओनली देन इंडियन गवर्नमेंट विल अप्रूव एंड पुट देम इन देयर लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रोन्स। तो ये अप्रूव्ड ड्रोन्स की अभी लिस्ट में ही DJI का ड्रोन नहीं है। तो पहला स्टेप ही इम्पोर्ट कराने का ये है कि आपका जो ड्रोन है, जहाँ से जिस कंपनी का आप ड्रोन ले रहे हैं, वो अप्रूव्ड लिस्ट में होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट की, तो यानी DGCA के अंडर। तो वही नहीं हुआ अभी, तो आप DJI का ड्रोन कैसे इम्पोर्ट करवाएंगे? तो ये DJI के बिहाफ पर कोई DJI का एजेंट या DJI की कंपनी से इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलेबोरेशन होगी, तो वो अभी चांस, क्योंकि आप देख सकते हैं बॉर्डर पे काफी पंगे हो रहे हैं, तो इसमें डिले होने वाला है। और वैसे ऐसे तैसे करके आप मंगा सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन हैव इट, और काफी वो चांसेस कम है उसके। सर, इंडिया हैव टू मेक आवर ओन ड्रोन कंपनी, योगेंद्र योगेंद्र ओटी। यस, दे आर मेकिंग कंज्यूमर ड्रोन्स भी, सून विल सी, होप है। शान अंसारी, DJI के अलावा और किस कंपनी के ड्रोन लिए जा सकते हैं? वैसे DJI के अलावा काफी कंपनीज है, मी बना रही है और ईवो है, और गोप्रो भी स्टार्ट हुआ था ड्रोन्स की उसमें फील्ड में, बट उनको ज्यादा सक्सेस मिली नहीं। तो देर आर मैनी ऑप्शन, बट स्टिल जो होता है ना, DJI ने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, सो दैट इज द रीजन। हेमंत शर्मा, व्हेन वी आर फाइन टू रजिस्टर आर ड्रोन एंड गिव एनी इंफॉर्मेशन दे वांट, देन ऑल्सो वाई द हेल इंडियन गवर्नमेंट हैव इश्यूज विद ड्रोन्स? इफ वील डू एनीथिंग रॉन्ग, दे कैन इजली नो अबाउट अस, बट इंडियन ड्रोन रूल्स आर जस्ट पैथेटिक। इवन आई थिंक दे आर देमसेल्स नॉट एबल टू हैंडल ड्रोन्स इन इंडिया, दैट इज वाई कैनॉट सेट अप अ प्रॉपर मैकेनिज्म। हेमंत शर्मा, आई कंप्लीटली एग्री विद यू, बिकॉज द पर्सन हु आर मेकिंग दीज रूल्स आर देमसेल्स वेरी कंफ्यूज्ड। हेमंत शर्मा कह रहे हैं कि रूल्स जो बना दिए हैं, तो अगर रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है ड्रोन उड़ाने में? आपने रूल बना दिया, रजिस्टर हम करवाएंगे, उसमें यूएन नंबर लगा हुआ है, अगर हम कोई मिस्टेक करेंगे आप यूएन नंबर से हमें पकड़ सकते हैं, और कोई हमने फॉल्ट किया उसकी सजा रख दें, दैट्स इट, फाइन लगा दें। जब ये सब कुछ हो रहा है, तो स्टिल एयरपोर्ट पे ड्रोन्स मैन है, आप इम्पोर्ट नहीं करवा पा रहे हैं प्रॉपरली, तो वाई? तो ये दो गला बात होगी ना, एक तरफ से आपने रूल्स बना दिए, ये करना है, रजिस्ट्रेशन होगी, वो, दूसरी तरफ से आप मतलब प्रॉपरली हम खरीद ही नहीं पा रहे, ना प्रॉपरली उड़ा पा रहे, वो NPNT चाहिए, हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन ऐप आज तक नहीं आई है, ऑन द पेपर जैसे लिखा हुआ है, जो मैं बता चुका हूँ कि आपके फोन के ऊपर ऐप बन जाएगी जब आपने ड्रोन उड़ाना है, 1 सेकंड के अंदर, 1-2 मिनट के अंदर आपको आपने परमिशन लेनी है, वो परमिशन आ जाएगी, आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। अगर रेड एरिया है जहां पर नहीं उड़ा सकते, आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें पेपरों में रह गई हैं, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कब आएंगे? तो दैट इज द, आई एम कंप्लीटली एग्री विद मिस्टर हेमंत शर्मा। तो सून लेट्स सी ऐसा कुछ हो डेफिनेटली। आशुतोष नेगी, भाई साहब ड्रोन चलाना है ही मुश्किल है, इंडिया में रूल्स ही सही नहीं है, क्या करना नया ड्रोन लेके? या दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। उतने ड्रोन नहीं है जितने ड्रोन जैमर लगा रखे हैं, यू आर राइट मिस्टर आशुतोष। ब्लेजिंग सैन, आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम डू गेट वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, एज आई एम ए ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर एंड ड्रोन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्टोरी, सो आई यूज DJI Mavic 2 Pro फॉर दैट। सो इज देयर एनी चांस इन 2021 वी गेट एनी शॉट ऑफ रिलैक्सेशन और लेसन, एज वील हैव एनलिस्टेड द ड्रोन ऑलरेडी, और कैन आई स्टिल कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज विद माई ड्रोन? ब्लेजिंग सैन, डेफिनेटली थैंक यू फॉर फॉलोइंग मी ऑन माई चैनल। एज ए कंटेंट क्रिएटर आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द वीडियो द व्यू एंड द एंगल्स विच यू गेट बाय ड्रोन फुटेज, यू शो वेयर यू आर एंड द लॉन्ग डिस्टेंस शॉट, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वीडियो। इफ यू हैव ड्रोन शॉट्स, डेफिनेटली पीपल गेट टू दैट वीडियो एंड इट मेक्स द ड्रोन द वीडियो वेरी सिनेमेटिक, डेफिनेटली। एंड एज फार एज रूल्स आर कंसर्न, दे आर स्टिल यू नो नथिंग प्रैक्टिकल इज हैपनिंग राइट नाउ। You have enlisted your drone, that's very good. I have also enlisted mine. The thing is, the second step was to get UAN number if it is micro drone. So that has not started yet.
because after your number you will get registered. And one thing I want to clarify, for the personal use that you are making travel vlogs and that's your personal use, you don't require lessons, number one, because you must be doing camping or something and you are flying it in the mountain and all that. And if it is not a city area, there is no need of lessons for the personal use, number one. Yes, you have to register it, but that process has not started yet. So let's see. I am also into this. As soon it becomes active, I'll let you know. Amrita Gupta, sir, can you recommend me a best drone under rupees 3 lakhs? At present, Mavic 2 Pro, I'll recommend you. Mavic 2 Pro. The best one, foldable. And little bit, if you want to have some little bit of concession, then Mavic Air 2. But Mavic 2 Pro is the best one right now. Technical Gohil, पहले से DJI Mavic Mini 2 जो कि 15 मीटर से ज़्यादा उड़ता ही नहीं, क्या करें, कुछ जुगाड़ हो तो बताना ज़रूर भाई जी। जुगाड़ अभी कुछ नहीं है, अभी यही है कि अगर जहाँ तक आप स्टिक कर सकते हैं पुरानी ऐप के ऊपर उसमें उड़ रहा है, उसके बाद जब अपडेट करेंगे तो नहीं उड़ेगा, तो उसका एज सच कोई सोल्यूशन अभी नहीं है। DJI Mavic Mini 2 इंडिया में कहाँ मिलता है? ये सर मेट्रोज में मिलता है, फिजिकल काफ़ी डीलर्स हैं, कैमरा डीलर्स के पास इंफॉर्मेशन होती है। एंड ऑनलाइन लेना है तो आप अमेजोन इंडिया से ले सकते हैं। प्रांजल, गेटिंग परमिशन डायरेक्टली फ्रॉम SDM वर्क्स फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट फॉर नाउ। हाँ, दैट्स ग्रेट इफ दैट इज द वन। इफ यू आर फ्लाइंग ड्रोन, अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे ड्रोन उड़ा रहे हैं तो पुलिस को आप परमिशन लेके अपने आप को सेव कर सकते हैं। सर पंजाब च न्यू ड्रोन नहीं मिल रहा। रंजीत, यू आर राइट रंजीत जी, कितने भी नहीं मिल रहा क्योंकि शॉर्टेज हो गई है, चाइना ना लड़ाई हुई जाती है, यू नो द बॉर्डर सिचुएशन, सो दैट इज़ द रीज़न। बट और लॉकडाउन लग गया कोरोना करके, तो दीज आर द रीजन्स, शॉर्टेज है, बट सून बैक टू लाइफ, बैक टू नॉर्मल हो रहा था, आ जाएंगे, डोंट वरी। हर्ष रॉथ, सर एक्चुअली आई वॉन्ट टू बाई मैविक मिनी स्टैंडर्ड किट, प्लीज कैन यू टेल द बेस्ट शॉप इन मुंबई नियर मीरा रोड और देर और थाने वेयर आई कैन गेट इन गुड प्राइस। हर्षद, इन द मुंबई देर आर मैनी डीलर्स, यू हैव टू मेक सर्टन सर्च। द इजिएस्ट वे एंड द रिस्की वन ऑल्सो OLX, यस OLX पे आपको ये थोड़ा आइडिया लग जाता है कहाँ पर डीलर्स हैं। अब इन डीलर्स के अंदर फेक पर्सन भी वहाँ पर आपको मिलते हैं, तो बी वेयर, राइट। तो फेक कौन होता है? जो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ता ड्रोन दे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर दे, वो फेक है। जो जेन्युइन रेट लगा रहा है प्रॉपर, उसके पास फिजिकली जाएं, एक दो दोस्त अपने दोस्त लेके जाएं, अकेले मत जाएं, एंड यू कैन क्रैक द डील, ओके। राहुल शर्मा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सर, गुड वर्क, योर वीडियोज आर वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच राहुल शर्मा जी फॉर द एप्रिसिएशन, थैंक्स अ लॉट। भारत में कुछ भी नहीं हो सकता, ये तो तय है। या एवरीथिंग इज वेरी स्लो इन इंडिया। ड्रोन की क्लास दें आप, अगर दे सकते हैं चाहे 10 मिनट की क्यों ना हो, शुरू से स्टार्टिंग, एक बेसिक नॉलेज के लिए। डेफिनेटली आपने एक सुझाव दिया है, मैं इस पे आप थोड़ा और बताएं किस तरह की आप क्लास चाहते हैं। और बाकी मेरे भाई लोग जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस कमेंट के ऊपर, प्लीज राइट। जो हमारे पास ड्रोन है उस पे कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ड्रोन टेक ऑफ ना करे। ये बोल रहे हैं अहमद जी। अहमद जी, आपने ड्रोन बताएं कौन सा है आपके पास? माइक्रो ड्रोन्स पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बाकी पुलिस से बचकर आए, क्योंकि पब्लिक प्लेस में उड़ाएंगे तो पुलिस के पास आप पूरा राइट है आपको पकड़ने का, इफ दे कैच इट। आइसोलेटेड प्लेस पे उड़ाएं जहां पे पब्लिक नहीं है, और अगर पब्लिक प्लेस पे उड़ाना तो परमिशन लेके उड़ाएं। स्काई पेटल, गुड वन, सो दीज वर द गुड वन, थैंक यू स्काई पेटल। सो दीज वर द कमेंट्स। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पर मैंने जैसे वादा किया था कि सारे कमेंट्स मैं लूंगा और आपकी क्वेरीज बताऊंगा, तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। इसके अलावा नेक्स्ट जब क्यों नहीं होगा तो इस नई वीडियो पे आप कमेंट करें, और इस वीडियो पे जो कमेंट्स होंगे वो मैं कभी भी क्यों नहीं होगा तो उसमें मैं ये वाले कमेंट्स लूंगा, ठीक है। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। यहां तक आपने देखी है तो लाइक करें, और कोई आपको सुझाव, कोई वीडियो आप चाहते हैं कि इस तरह से आप बनाएं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि काफी सवाल पब्लिक के हैं और पब्लिक में जाएगा वीडियो ज्यादा तो उनके डाउट्स क्लियर होंगे, तो प्लीज कमेंट करेंगे तो
YouTube will push it. Comment and likes. Thank you.